अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है मेरी जान, कैसे हैं आप सब। तो आपको पता है कि जो प्रॉब्लम, जो भी इशू था वो रिजॉल्व हो चुका है। सो मेरी जान, हमने स्टार्ट करना था मेरा बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब फर्क, पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल का। पोटेंशियल अगर बहुत ज़्यादा अल्फाज में अगर मैं मेरा बेटा बात करूं दो पॉइंट्स के दरमियान, जैसे कि यहां पे मेरे पास ये पॉजिटिव एक प्लेट है और यहां पे एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये मेरे पास पॉइंट ए है और ये मेरे पास पॉइंट बी है। पॉइंट ए पे चार्ज के अंदर जो भी, अगर मैं किसी भी चार्ज को यहां पे पॉजिटिव चार्ज की बात कर लेता हूं, टेस्ट चार्ज, इस टेस्ट चार्ज में जितनी एनर्जी है उसको हम नाम देंगे पॉइंट ए पे पोटेंशियल। जैसे कि बात करते हो यार इस बंदे में कोई पोटेंशियल ही नहीं है, मतलब इस बंदे में कोई एनर्जी नहीं है, कुछ नहीं कर सकता, नकम्मा नकारा है, लाइक उसका पोटेंशियल बिल्कुल आपके पास मेरा बेटा क्या है, जीरो, क्योंकि उसमें कोई एनर्जी नहीं है। सो किसी भी पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल की बात करना चाहते हैं, चार्जेस के अंदर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, मैसेज में इसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं। सो मेरे भाई आपके पास ये आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहां पर पॉइंट बी ले लेते हैं और यहां पे जो पोटेंशियल होगा वो यू बी ओवर क्यू नॉट होगा। और अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं डेल्टा वी, वो आपके पास वी ए माइनस वी बी आता है ओवर क्यू नॉट। ये हमारे पास मेरा एक्चुअली बेटा क्या आ रही है, चेंज इन एनर्जी, वी ए माइनस वी बी, यू ए ओवर क्यू नॉट माइनस यू बी ओवर क्यू नॉट। यू यहां पे डिनोट कर रहे हैं आपके पास पोटेंशियल एनर्जी को, कि जब कोई चार्ज नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है तो या तो वो लॉस करता है पोटेंशियल एनर्जी को या गेन करता है या फिर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। सो यहां पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट किसके को ला रहा है मेरा बेटा, आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस के। So, यहां पे अगर कोई चार्ज है, अगर इसको मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाना है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो मुझे उस पर वर्क करना पड़ रहा है और वर्क किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है मेरा बेटा, आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। सो किसी चार्ज पे आपको जो वर्क करना पड़ता है उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, एक्चुअली अगर आप कैलकुलेट करना चाहो कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो मेरा बेटा वर्क पर यूनिट चार्ज के इक्वल होगी। ए से बी तक चार्ज को ले जाने में आपको उसके ऊपर जितना वर्क करना पड़ा उसको मेरा बेटा हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का या फिर पोटेंशियल डिफरेंस का। रही बात मेरा बेटा अब आपके कल वाले टेक्स्ट से रेलिवेंट, तो ये मेरा बेटा फिर हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल आपका टाइम वेस्ट हुआ था तो मैं आज ये टॉपिक कंटिन्यू करता हूँ। बाकी यंग एक्सपेरिमेंट में जो रेशियो है बला बला, जो भी क्वेश्चंस थे जो आप लोगों को इशू आ रहा था उसको कल देखेंगे। एफएलपी का सिलेबस भी अभी मेरा बेटा डिस्कस हो जाएगा, फिलहाल जितना चैप्टर ये पढ़ लेंगे वही चैप्टर हमारा इंक्लूड होगा आज के एफएलपी में। सो मेरे भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसका फाइनली हम लोगों ने ये फॉर्मूला निकाल लिया कि डेल्टा वी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस ए, ए से बी तक आपको चार्ज के ऊपर जो वर्क करना पड़ा इसको हम डेल्टा यू और क्यू नॉट के इक्वली प्रूफ कर चुके हैं। ये आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, सर आपकी वॉइस वीडियो से मैच नहीं कर रहा है, मैं मेरा बेटा एक दफा दिखा लेता हूं। वीडियो और आवाज लैग कर रही है, चेक करना।
जी मेरा बेटा, अभी आप लोगों के सामने ये जो वर्कशीट है वो भी अपलोड हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। जी बेटा रिफ्रेश करें मेरा बेटा, पेज ठीक हो जाएगा। बाकी लोगों का अगर ठीक है तो आपका भी हो जाएगा। पेज को रिफ्रेश करें। आर यू ओके यार, जो मैं कमेंट आ रहा है मैं वही बता रहा हूँ। इसको बंद करिएगा तेरा माइक को। जी हैदर बेटा ठीक है। सो यूनिट्स की बात कर दें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है। डेल्टा वी 1 वोल्ट किसके को लाएगा मेरा बेटा? 1 जौल पर 1 कूलम के एनर्जी का यूनिट जौल, चार्ज का यूनिट कूलम। और मेरा बेटा आपके पास ये एनालॉगस है एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस, अगर आप बात करें प्रेशर डिफरेंस के साथ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। उसके बाद जनाब अगर बात करें मेरा बेटा एब्सोल्यूट पोटेंशियल की, किसी मतलब सिंगल चार्ज के ऊपर पोटेंशियल की बात करें एट अ पॉइंट, सो आपको जैसे कि मैं ये बात करूं कि यहां पे एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये सराउंडिंग में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, यहां पे कोई टेस्ट चार्ज मौजूद है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आप ये सपोज कर लें कि इन्फिनिटी पे मौजूद है, लाइक किसी भी पॉइंट पे मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है। आपको इस चार्ज को यहां से उठाकर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो मेरा बेटा आपको इन्फिनिटी से इस इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में चार्ज के ऊपर जो वर्क करना पड़ा उसको हम मेरा बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर मेरे बेटे हम इसको नाम देते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम देते हैं मेरा बेटा, या फिर हम इसे कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर एब्सोल्यूट पोटेंशियल। अब अगर आपको वर्क कैलकुलेट करना हो तो सिंपली चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्यू डेल्टा वी भी लिख सकते हैं। तो अगर आपसे यह पूछा जाएगा यार इसकी एनर्जी कैलकुलेट करें, तो इस फॉर्मूले से एनर्जी कैलकुलेट की जा सकती है। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी मेरा बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको बार बार बताया जाता था कि जी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जी इलेक्ट्रिक फील्ड एस पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है मेरा बेटा डिस्टेंस के लिहाज से तब्दीली, टाइम के लिहाज से, डिस्टेंस के लिहाज से चेंज आना, वोल्टेज में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, उसको मेरा बेटा हम पोटेंशियल ग्रेडियंट का नाम देंगे। ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल आर। यहां पे एक्चुअली जो नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल को शो कर रहा है कि आपका पोटेंशियल ऊपर से नीचे आते हुए कम हो रहा है। माइनस डेल वी ओवर डेल आर, इसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट का नाम देते हैं। और ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला आप ड्राइव करते हैं या प्रूव करते हैं, ये याद रखिएगा मेरा बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, कि अगर दो प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक जैसा है, यूनिफॉर्म है। और यहां से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, क्योंकि हम लोगों ने यही फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू,
इसके लिहाज से यूनिट देखा जाए तो न्यूटन पर कूलम्ब बनता है, लेकिन यहां पे डेल वी और डेल आर, डेल वी का अगर यूनिट देखा जाए तो वोल्ट, डिस्टेंस का यूनिट देखा जाए तो मीटर, इट मींस के इसका यूनिट वोल्ट पर मीटर भी हो सकता है। और एफएससी में जब आप सेकंड ईयर में ये चीज पढ़ते थे तो ये प्रूफ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर करवाया जाता था कि प्रूफ डेट न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर। अगर ये बात की जाए कि जी पोटेंशियल ग्रेडियंट में जो चेंज है या वोल्टेज में जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी ही ज्यादा आएगी। और एक चीज का बड़े अच्छे से मेरा बेटा आप लोगों को पता है कि हम लोग पॉजिटिव को हाई मानते हैं और नेगेटिव को लो पोटेंशियल मानते हैं। तो यहां तक तो मेरा बेटा सिर्फ हमारा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहां पे हमने बात की एक चार्ज को किसी भी सराउंडिंग से, ये हमने बात की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। यहां पे मेरी जन हमने बात की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। क्या चाहिए? अस्तगफुरुल्लाह। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ये हमारे पास मेरा बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। यहां पे मेरी जान हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया। गल देखी मेरा पुत्र, थले स्लैश ला दो या न्यूटन पर कूलम लिख दो। यहां तक मेरे बच्चे इन तीन टॉपिक्स में क्लियर हैं तो आगे मेरा बेटा है, फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसकी डेरिवेशन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तो बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी, इसलिए हम यहां पे इसकी डेरिवेशन तो फिलहाल नहीं कर रहे, डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिखेंगे V इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर, जहां पे आप ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन इक्वल लिख के आर स्क्वेयर इज इक्वल टू आर ए आर बी करते थे और एक पॉइंट को आप इंफिनिटी पे कंसिडर करते थे, रेफरेंस पॉइंट मानते थे, उसको जीरो पुट करने से वन समथिंग ओवर इन्फिनिटी, वन ओवर इन्फिनिटी जीरो करते थे तो वो जीरो आ जाता है। यहां तक क्लियर है मेरा बेटा? मैं बोर्ड को रेस करने जा रहा हूं, फिर जैसे कि हैदर बेटा ने कहा कि इससे रेलिवेंट एमसीक्यूज भी करेंगे। मेरे बच्चे एक एमसीक्यूज का माइंड करवा देना ज्यादा बेहतर होता है एट द एंड ऑफ द लेक्चर, जो कि सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट कर रहे होते हैं। चलिए गुड है मेरा बेटा, अगर क्लियर है तो इसको मैं ब्रेस करने जा रहा हूं। ये रिमशा बेटा आप मुझे मजाक कर रही है ना, सर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है माशाल्लाह, मुझे पता है मैंने अच्छा खासा इकट्ठा लिख दिया था इसलिए। सही है भाई, सही है। जी मेरा बेटा आज वर्कशीट्स अपलोड हो जाएंगी इलेक्ट्रोस्टैटिक से रेलिवेंट इंशाल्लाह। जवाब सो जनाब तबीयत ठीक है बेहतर। हम लोगों ने इस तरह एक पॉजिटिव चार्ज लिया, उसके ग्राउंड हजारों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, मैं कोई सी चार ले रहा हूं। रेडली आउटवर्ड डायरेक्शन में ला दी। सो मेरा बेटा हमने इस पे दो पॉइंट्स लिए, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी और एक इनका मिड पॉइंट। डिस्टेंस लिया आर ए, ये डिस्टेंस आ गया आर बी, और इनका मिड पॉइंट का डिस्टेंस लेने के लिए आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाय टू। जनाब ऐसे हम कहते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। जो हैप्पीनेस और सैडनेस दोनों को स्टूडेंट से छुपा कर रखता है। साथ बेटा क्या कहना चाह रहे हो यार, जल्दी बोलो। खैर आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाय टू, ये डेरिवेशन आपको सिर्फ रिकॉल करवानी थी। फिर मेरा बेटा हम जब ये डेरिवेशन करते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज को आप यहां से बी से ए की तरफ लेके आते हो, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर एक चार्ज के अराउंड किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने का फार्मूला आता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ
पॉइंट चार्ज, मेरी जान वो आपके पास आ रहा होता है वी इज इक्वल टू के क्यू ओवर आई थिंक सो आर, कभी कभी ये मिक्सअप हो जाता है आर स्क्वायर से, खैर के क्यू ओवर आर। अब मेरा बेटा के की वैल्यू आपको बड़े अच्छे से पता है, अगर मैं सिर्फ वैक्यूम की बात करूं तो के इक्वल होता है हमारे पास 1/4πε0। लेकिन अगर बात की जाए मेरा बेटा, अगर मेरी जान बात की जाए किसी और मीडियम की, तो हम फिर उसके लिए क्या कर देते हैं कि के की वैल्यू में एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी का फैक्टर ऐड कर देते हैं। सो मेरी जान हमारे पास, अब इसके बारे में लिखते हैं, यहाँ से फार्मूले में ये चीज़ डिनोट होती है कि जी आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट चार्ज है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। एक ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया, मेरा पुत्र बस कर दे, लड़ना है तुसी आज, इफ यू डोंट माइंड हद है, तुम्हारी तहजीब तनीस खराब हो जाती यार, हौसला रखो मेरा बेटा, मान लिया हो, अगर किसी से गलती हो जाए तो आप इग्नोर किया करें, और अगर कोई गलती आपकी बता दे तो उसकी रिस्पेक्ट करें कि यार उसने आपकी गलती बता दी। दोनों को पॉजिटिव वे में डील करना चाहिए, ये नहीं कि आजकल तो हम लोग मजाक में अगले बंदे को बस पता नहीं क्या 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 कह जाते हैं, अपना सारा गुस्सा निकाल लेते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए और बी का के इंटू, थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूँ आपको, तो मेरा बेटा के क्यू इंटू 1/RA माइनस 1/RB। फिर हम ये कहते हैं कि यार जो आपके पास पॉइंट बी है वो एट इन्फिनिटी है, आर बी इज इक्वल टू एन इन्फिनिटी किसी बाहर चार्ज, अब वहाँ से इसको लेके आने इन्फिनिटी जब यहाँ पे पुट करते हैं, सो इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू तो बिल्कुल ज़ीरो होगी, सो वी ए माइनस वी बी में हम मेरा बेटा वी बी को ज़ीरो लिख लेते हैं, 1/RA माइनस 1/infinity तो वो भी ज़ीरो हो गया, तो एक के क्यू ओवर आर ए आता है हमारे पास इसका फॉर्मूला। तो इस तरह की डेरिवेशन हम लोगों ने मेरा बेटा इसमें की थी। हाय बस कर दो यार, ओके मेरा बेटा, एक की पॉइंट यहाँ पे जो डिस्कस करने वाला था कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है किसी भी रीजन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास उस रीजन में ज़ीरो होगी, इफ़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट, इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट, डेल्टा वी अगर आपके पास कांस्टेंट हो, मतलब वी कांस्टेंट हो, इट मींस कि चेंज ही नहीं आ रहा, इफ वी इज इक्वल टू कांस्टेंट इट मींस डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, तो हम ये बात कहते हैं कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो आएगी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल आर, जब ये जीरो आएगा डेल वी की वैल्यू जीरो होगी, तो सारा आपके पास मेरा बेटा क्या हो जाएगा, ये जीरो हो गया। चले बड़ी अच्छी बात है महानूर अवैध समरा कि आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज भी क्लियर हो गया। उसके अलावा मेरा बेटा इसको मैं रेज करने जा रहा हूं, फिर
मेरे ख्याल में इस टॉपिक या इस चैप्टर में ऐसा कोई इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, जब बात करते हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर की, तो वहाँ पे ग्राफ में या उसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कर्व में बच्चों को थोड़ा सा मसला, तकलीफ, परेशानी आती है, लेकिन इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आपको उसमें भी कोई परेशानी ना आए। फॉर टू पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस डी, फॉर टू पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस डी इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एट अ डिस्टेंस डी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा वी विल बी इक्वल टू ई डी। ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाएगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने पहले लिखा था पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले अगर टॉपिक में भी अगर आप बात करो मेरे बच्चे, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास वहां पे कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। फॉर अ होलो चार्ज स्फीयर, आप लोगों ने एप्लीकेशन में भी पढ़ा, फॉर अ होलो बट चार्ज्ड स्फीयर, इनके इंटरनल कोई किसी किस्म का चार्ज मौजूद नहीं है बट आउटर सरफेस पे चार्ज मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल बी जीरो। जैसे मेरा बेटा आप लोग बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर विल बी जीरो। लेकिन यह चीज याद रखिएगा, जो पोटेंशियल है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि उसका जो रेडियस आर है वो तो मेरा बेटा आपके पास जीरो नहीं होता। सो एक चीज का ख्याल रखिएगा कि आपके पास मेरे बच्चे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करूं तो आउटसाइड और इनसाइड जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी है वो बिल्कुल सेम होगा, और वो किसके इक्वल आएगा मेरा बेटा कि जितना उसकी सरफेस के ऊपर चार्ज, के क्यू ओवर आर। इंटरनली आप ये बात भी कह सकते हो कि आपके पास वी इनसाइड जो है वो कांस्टेंट भी होता है, इसलिए यहां पे किसी किस्म का पोटेंशियल में चेंज नहीं आता। तो आप ये बात भी कह सकते हैं कि डेल्टा वी विल बी इक्वल टू जीरो, डेल्टा वी विल बी इक्वल टू जीरो। जी अजका बेटा, फिर आप लोग अगर सिर्फ और सिर्फ चार पॉइंट्स देख लो, ये क्लियर हो गया, इसको मैं रेस कर दूं। जी मेरा बेटा, होलो चार्ज स्फीयर में इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मेरा बेटा आपके पास क्या होती है, जीरो होती है इनसाइड। हम लोगों ने एप्लीकेशन भी पढ़ी थी, बट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसमें किसी किस्म का चेंज नहीं आता। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो उसकी चार्ज स्फीयर की बात कर रहा हूं, तो जो उसकी सरफेस के ऊपर जो चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड और आउटसाइड द स्फीयर बिल्कुल सेम होता है। हम थोड़ा सा कंपैरिजन अब देख लेते हैं मेरा बेटा। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ में फर्स्ट वन एप्लीकेशन में आप लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपने इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करके कैलकुलेट करनी होती है, तो वहां पे आप इस तरह के एक स्फीयर देखते हो जिसके ऊपर वाली सरफेस के ऊपर चार्ज मौजूद होता है, अंदर से वो खोखला है। तो आप क्या करते हैं, एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करते हैं जिसे आप गॉसियन सरफेस का नाम देते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो आर है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है वो कैपिटल आर। मतलब जो आर की वैल्यू है वो किसी भी केस में इनसाइड की बात करूँ या आउटसाइड की बात करूँ, तो मेरा बेटा ये सारे पॉइंट किस टॉपिक से रेलिवेंट है, दे आर इंटर रिलेट विद ईच अदर। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ही बात कर रहे हैं सारा बेटा, आप ऐसे तो ना बोलो ना यार। इसके अलावा मेरा बेटा आप लोगों ने कूलम्ब फोर्स पढ़ा सबसे पहले, वो हमारे पास इक्वल आती है फिजिकल टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वेयर। यहां पे हमारे पास फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स। इसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो ये बनता है के क्यू ओवर आर स्क्वेयर। यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड
इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जो कि हमारे पास इक्वल आया के क्यू ओवर आर के। यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला आर के, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर ऑल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये तो मेरा बेटा हमारे पास कंपैरिजन में ये चीज हमें मिल जाती है। अब अगर आपके पास एक छोटा सा फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, अगर आपने कैलकुलेट करना हो ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, बहुत ज्यादा चार्जेस की वजह से, लाइक ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसकी सराउंडिंग में आपके पास तीन चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, और इस पॉइंट में आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो आप डिस्टेंस का नाम दे दो R1, R2 और R3। सो मेरे बेटे इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबका सम अप करने से आएगा, लाइक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज फॉर्मूला के क्यू ओवर आर। सो Q1 के लिए Q1 ओवर आर प्लस के Q2 ओवर R2 प्लस के Q3 ओवर R3। सो एक पॉइंट चार्ज की वजह से KQ1 RR1 3 के लिए मेरा बेटा आप 3 × KQ1 ओवर R2, लेकिन डिस्टेंस अगर वेरी करे तो इस लिहाज से आप मेरा बेटा ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। उसके बाद MCQs भी आ जाते हैं। बड़ा आसान से MCQ से इसका आंसर आप लोगों ने देना है कि क्या बनता है। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों ही सेम है एट दैट पॉइंट, हमसे पूछा गया जनाब, देन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पॉइंट चार्ज इज, देन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पॉइंट चार्ज इज, क्वेश्चन में दोबारा रिपीट कर देता हूं, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, देन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट चार्ज फ्रॉम पॉइंट चार्ज इज, या देन डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम पॉइंट चार्ज इज, ऑप्शन ए बी सी और डी। ऑप्शन ए जनाब आपके पास 1 मीटर, ये आपके पास आ गया 3 मीटर, 2 मीटर और 4 मीटर। फॉर्मूला हमारे पास V इज इक्वल टू E इंटू डी। डी हमसे पूछा गया, V और E जब दोनों सेम वैल्यू के होंगे तो आंसर आपके पास, मैं अगर V और V लिख दूं, दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है, V V से कैंसिल हो जाएगा, तो D की वैल्यू क्या आएगी जनाब आपके पास 1 मीटर। जी सना बेटा कौन से वाला,
कंपैरिजन में मैंने सारे फार्मूले एक ही लाइन में लिख दिए और सब में एक ही चीज़ कंपेयर की कि मेरा बेटा उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उससे वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, जो डिस्टेंस है बिटवीन द चार्जेस उससे मेरा बेटा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जी, 1 मीटर ही आता है। और ये बा अफशा रिमशा बाकी लोग भी मेरा बेटा अगर जाग रहे हैं तो प्लीज़ जवाब दे दें। जी एग्जैक्टली इसको मैं रेस करने जा रहा हूं। आगे जनाब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है जो एक इलेक्ट्रॉन बीम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होती है, तो मेरा बेटा हमसे पूछा गया है कि इस इलेक्ट्रॉन बीम में आपने पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है कि कौन से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जनाब आपके पास, ऊपर चार्ज पॉजिटिव है नीचे चार्ज नेगेटिव है। जनाब यहाँ पे इस तरफ से एक इलेक्ट्रॉन बीम एंटर होती है, मैं एक लाइन बिल्कुल सीधी ड्रॉ कर देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सीधा जा रहा है, एक में मैं इस डायरेक्शन में आ जाता हूँ और एक में मैं इस डायरेक्शन में आ जाता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन का पाथ क्या होगा, नाम दे देता हूँ ए बी आर सी। ऑप्शन ए में ए आएगा, ऑप्शन बी है क्या बी होगा, मैंने ऑप्शंस भी वैसे लिख दी सी, कौन सा आंसर बनेगा आपके पास ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रॉन है भैया, डाउनवर्ड तो तब होता जब पॉजिटिव चार्ज की बात करता, मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव क्या करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो चार्ज फिर इसका पाथ कौन सा बनता है बी। इसको जरा ध्यान से देखिएगा, वुमन लोग ऊपर वाले को नेगेटिव रखते हैं नीचे वाले को पॉजिटिव रख रहे होते हैं, सो उलट भी हो सकता है, बी इसका आंसर आ गया। एक और एमसीक्यू बड़ा आसान सा, मैं उसकी स्टेटमेंट नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ इतना बता दूं कि एक्स और वाई दो पॉइंट है, एक्स और वाई दो पॉइंट्स हैं, ठीक है जी, इन दो पॉइंट्स पे एक्स पे +6 वोल्ट का हाई वोल्टेज है मतलब हाई पोटेंशियल पे है, और जबकि वाई वो जीरो पोटेंशियल पे होगा, फिर 0 वोल्ट पे है। अगर आपके पास एक चार्ज जो कि -5 कूलम है वो मूव करता है टूवर्ड्स वाई जहां पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 वोल्ट है, तो आप यहां पे ये चीज बताएं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज की वैल्यू क्या होगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू डेल वी, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू डेल वी, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, 6 - 0 6 ही आ गया, क्यू की वैल्यू आपके पास कितनी मेरा बेटा आपके पास 5 × 6 कितना बनेगा मेरे बच्चे 30 जूल। चार्ज पॉजिटिव हो चार्ज नेगेटिव हो एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है उसकी नेचर से, उसमें साइन नेगेटिव नहीं आएगा मेरा बेटा। यहां पे मैंने ये कहा नेगेटिव से उसको रिपल्शन मिलेगी और पॉजिटिव से उसको अट्रैक्शन मिलेगी, देन द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल टुवर्ड्स बी। फिर उसके बाद
वर्क से रिलेवेंट एक छोटा सा क्वेश्चन कि आपके पास दो पॉइंट्स हैं ओ और एन, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट एन है, एक चार्ज जो कि 10 माइक्रोकूलम का है, 10 माइक्रोकूलम का एक चार्ज और दो पॉइंट्स हैं आपके पास ओ और एन. इफ अ चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम इज मूव्ड फ्रॉम ओ टू एन वाया टू पास, फॉर विच पास वर्क डन ऑन चार्ज इज ग्रेटर. एक पाथ मैं ये कह लेता हूं ये है और एक पाथ ये है, ये पाथ वन है और पाथ टू है. आपने मुझे ये बताना है एक चार्ज जिसकी वैल्यू 10 माइक्रोकूलम है वो पाथ वन को अडॉप्ट करे तो वर्क की वैल्यू ज्यादा होगी या पाथ टू को अडॉप्ट करे तो वर्क की वैल्यू ज्यादा होगी या फिर दोनों केसेस में वर्क की वैल्यू सेम होगी. अगर आप ध्यान फरमाएं वर्क के फॉर्मूले में तो हमारे पास अगर इन जनरल में ये भी देखूं वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू, ये पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज पर तो डिपेंड करता है बट पाथ पे डिपेंड नहीं करता, बट पाथ पे डिपेंड नहीं करता. जी बेटा ठीक फरमाया रिमश आपने. सो पाथ वन और पाथ टू पे फिर आप ये बात कह सकते हैं कि ग्रेटर और लेस की तो बात नहीं होगी, वर्क की वैल्यू दोनों केसेस के लिए सेम होगी, वर्क की वैल्यू दोनों केसेस के लिए सेम होगी, कंजर्वेटिव फील्ड होगा, वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ फॉरवर्ड, चाहे वो आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड में हो चाहे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड में हो. एमसीक्यूज का टेस्ट स्टार्ट कर दें. हाँ मेरा बेटा आपका टेस्ट स्टार्ट होने लगा. जी मेरी जान आज का जो हमारा लेक्चर है मेरे बेटे फिर यहीं पे अगेन फिर वही बातें एंड होगा. सो सर मुझे सिर्फ एक ही बात कहनी थी, वो आप थोड़ा गुस्सा हो गए थे, प्रॉब्लम मेरी साइड से थी. इट्स ओके रुबाब, कोई बात नहीं मेरा बेटा, मैं आपसे गुस्सा नहीं कर रहा था, मैं अपने साथ एक छोटे भाई बैठे होते हैं उनसे गुस्सा कर रहा था, आपसे गुस्सा नहीं कर रहा था. सो इंशाल्लाह इसकी जो वर्कशीट है वो भी आज अपलोड हो जाएगी और कल कैपेसिटर का एक टॉपिक है वो रह गया FLP के सिलेबस में. FLP के सिलेबस में एक्सेप्ट कैपेसिटर आपके सारे कॉन्टेंट मौजूद होंगे. आवाज बंद है स्टिल, देख ले अब तो क्लियर है ना मेरा बेटा. मुझे पता था पहले आवाज नहीं आ रही थी. FLP का सिलेबस चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर के अलावा बाकी सारे टॉपिक्स हम लोग कर चुके हैं और मेरा बेटा वॉइस आ गई है अब. सर जी हम आपको सुनने से